अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बताना चाहेंगे कि जावेद ने अपने देश के ही खिलाड़ी पर सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। खबर के मुताबिक जावेद मियांदाद ने कहा कि वे साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने मैच बेचे हैं। मियांदाद ने यह बयान अफरीदी के दिए उस बयान के पलटवार में कहा जिसमें अफरीदी ने कहा था कि मियांदाद हमेशा पैसों के भूखे रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भारत पाकिस्तान से शांति की अपील करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत को चेतावनी दी थी। अफरीदी ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा पठान करते हैं, आपको पता नहीं है। एक क्रिकेट शो के दौरान जब शाहिद से भारतीय सेना से डरने वाली बात पूछी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी को ठीक से जानती नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर ने अफरीदी से पूछा था कि जावेद मियांदाद का सुझाव है कि आपको एक भी फेयरवेल मैच नहीं खेलने देना चाहिए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अफरीदी ने मियांदाद को पैसों का भूखा कह डाला। अफरीदी के अनुसार उन्हें ऐसी घटिया बात नहीं कहनी चाहिए थी। इमरान खान और जावेद मियांदाद के बीच यही फर्क है। अफरीदी की इस टिप्पणी से मियांदाद भड़क गए। उन्होंने पलटवार करते हुए अफरीदी पर मैच फिक्सर होने का आरोप गढ़ दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया उन्हें और इमरान खान दोनों को जानती है। अफरीदी के पैसों के भूखे होने के आरोप पर मियांदाद ने कहा कि अगर वो पैसे के भूखे होते तो क्रिकेट खेलना जारी रख सकते थे। साथ ही मियांदाद ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा उनके बारे में अच्छा ही बोला है। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने बोर्ड को अफरीदी को विदाई मैच का मौका नहीं दिए जाने की सलाह दी है।